कितने लोग अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं अभी? तो सबकी तो बात हम नहीं करा सकते भाई, मतलब कराएंगे तो हमको यहाँ पर रहना पड़ेगा एक महीने के लिए। हरिंदर सिंह कौन है यहाँ पर? हरिंदर सिंह जी आप इधर आ जाइए हुजूर, घबराइए मत। हरिंदर सिंह उत्तर प्रदेश बागपत के रहने वाले हैं और यहाँ पर कब से आप पोस्टेड हैं जी? 26 महीने मेरा पूरा हो गया, 27वां महीना चल रहा है। इसे आप पकड़िए, 26 महीने पूरे हो गए आप जी और 27वां महीना शुरू हो रहा है। अच्छा, अभी कितना दिन और रहेंगे आप यहाँ पे? अभी मैं आ जा ज्यादा 8-10 दिन और रहूंगा। बस 8-10 दिन और रहेंगे? ये तो यार बिल्कुल बड़े तेज निकले आदमी। तो आप जो हैं बागपत से आप आते हैं, आपके घर पे कौन कौन, छोड़िए आपके घर पे कौन कौन लोग हैं, हम आपको आपके घर वालों से मिलाते हैं। मैं खाना बना रखा था रिंदर के लिए, वहाँ छुट्टी आवेगा, मैं आए नहीं उनकी शादी के लिए, सोच रही थी मैं उनकी शादी हो जा। हरिंदर तेरे लिए मैं हलवा पूरी बनाया था, तेरे लिए मिठाई बना कर भिजवाऊंगी, मावा का अड्डा में। मैं तो यही कहूँ कि भाई देश द्रोही ना हो, अच्छे काम करे, अच्छी उसे शिक्षा वहाँ से मिले, देश की कुछ सेवा करे, वहाँ से भी कुछ अपना नाम पावे, अच्छे हिसाब से रहे, अपनी तंदुरुस्ती का ध्यान रखे। बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना प्यार और बच्चे से सिवा और होएगा किस? बच्चा तो एक सबसे मेन चीज़ होती है, लगाव होता है, खून होता है, अपना सब कुछ होता है। हरिंदर भैया आप जल्दी घर आना और अपने साथियों को बुलाना, अब खेत में गन्ने चूसने के लिए हो गए हैं, तो बड़ा आनंद आएगा आप सभी अपने साथियों के साथ आना। मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे आर्मी में कराए, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। हम सबको तुम पर गर्व है और हम चाहते हैं कि तुम अपने देश की तन मन धन से सेवा करो और हम सब परिवार वाले तुम्हारे साथ हैं। मुझे बहुत लाडला है, पर देश के लिए भेज रख क्या मैं, देश की सेवा करो। मिठाई इन्होंने अकेले अकेले खा ली, आपको बुरा तो लग रहा होगा जी? उन्होंने खा लिया तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने भी खा लिया। चलिए चलिए ऐसी बात नहीं है। हरिंदर सिंह के घर वालों ने जो मिठाई आपने बनाते हुए देखी थी वो खुद भेजिए जी इनको। देखिए आपको कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंद आती है? जो भी अपने घर में बनाएगा तो सबको अच्छी पसंद आएगी। क्या बात, मिठाई वो बढ़िया होती है जो प्यार से बनाई जाती है। बहुत ही मिठास है इसमें। चलिए आप ने मिठाई आप तो खा ली, लेकिन जो बाकी लोग हैं ये आपसे नाराज हो जाएंगे अगर आपने इनको नहीं खिलाई। ठीक है जी, इनको भी खिलाएंगे, इनको भी खिलाइए। चलिए आप थोड़ा बस मिठाई वठाई खिलाइए लोग। कश्मीर सिंह जी कौन है यहाँ पे? कश्मीर में हम खड़े हुए हैं। कश्मीर सिंह जी क्या बात है, आइए। हेलो जी, सत श्री अकाल, आपका नाम किसने रखा? फादर। इसका कोई, इसकी कोई कहानी है या? नहीं, मेरे फादर फौज में थे। अच्छा, तो इसी साइड में थे, जम्मू की साइड में। देखिए मेरी कोई बात नहीं, इनके फादर अगर विशाखापट्टनम में पोस्टेड होते तो इनका नाम विशाखापट्टनम। हम देखते हैं कि आपके जो घर वाले उन्होंने क्या आपके लिए संदेश भेजा है। आप बैठ जाइए, आइए इधर।
ख्याल रखना क्योंकि बर्फ एरिया बर्फीला एरिया है। अपनी ड्यूटी ठीक ठाक रखना, टाइम से अपना ड्यूटी करना और टाइम से घर आना। घर में सब ठीक ठाक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोन करते रहना अपने सैकन च रेंद्यान जो छुट्टी आए ने गश्त बच्च आए सी ते मम्मी नू ऐवे भी फिकर जा लगा रहिंदा वे भी मेरा बेटा ठंड बच्च वे बर्फ वाले इलाके च ते कहने पुत्र बच के रवी अपनी सेहत का ख्याल रखी। उसको मछली पसंद है और ते कद्दू वाले परौंठे पसंद ने। जो आता है मम्मी मेरे को आप परौंठा बना कर दे। हस्बैंड के बिना अकेला अकेला महसूस होता है, अगर वो साथ में हो तो अच्छा लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ पे जहाँ पे वो है। हर टाइम यही फिक्र रहता है कि बर्फ पीला रखा है कि कहीं पे बर्फ ना लग जाए। वैसे में वो अपनी केयर तो करते नहीं है, यहाँ पे हम खुद करते हैं, वहाँ पे वो करते नहीं है। यही है कि सारी छुट्टी ठीक ठाक और हंस के बिताएंगे और झगड़ा नहीं करेंगे। झगड़ा होता है ना, अब की बार झगड़ा नहीं करेंगे। बड़े बड़े हम जमीन मछली बड़े पकड़ते हैं।